बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया 15 जून से होगी। बिहार सरकार ने 2.5 माह में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की पूरी करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाइयों को दिया है। खास बात यह है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS का 18 महीने का DL कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये अभ्यर्थी भी अब नियोजन प्रक्रिया में आवेदन करेंगे। इसके अलावा TET या STE उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में आवेदन करने के योग्य होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को शिक्षक नियोजन संबंधित शेड्यूल जारी किया गया है। चलिए एक नज़र शेड्यूल पे हम डाल लेते हैं। 15 जून से 14 जुलाई तक के आपको आवेदन करने हैं। इसके अलावा 18 जुलाई तक मेघा सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 21 जुलाई तक मेघा सूची पे नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन होगा, यानी कि 21 जुलाई तक आपके जो मेघा सूची है उस पर डिटरमाइन किया जाएगा संबंधित अधिकारियों द्वारा। 23 जुलाई तक मेघा सूची का प्रकाशन हो जाएगा, यानी कि 23 जुलाई तक जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेगा सूची पे आपत्ति देना होगा, यानी कि किसी को लगता है कि ये जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं, गलती है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। इसके बाद 10 अगस्त को आपत्तियों का निराकरण होगा, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी मेगा सूची को लेकर उसके ऊपर विचार किया जाएगा 10 अगस्त तक। 12 अगस्त तक सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, यानी 12 अगस्त को फाइनल मैरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा 13 से 22 अगस्त तक जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंडों को मेगा सूची जो है भेज दी जाएगी। 25 अगस्त तक नियोजन इकाई द्वारा मेगा सूची का प्रकाशन हो जाएगा और 28 अगस्त तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जो है उसका मूल प्रमाण पत्र आपसे जारी जमा करवा लिया जाएगा। 23 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल था बिहार टीचर वैकेंसी का। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको बिहार टीचर भर्ती की सारी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।